Hey guys, welcome to the Hapiness Cocktail. It's me, Devina, and if you are new to my channel, then I make videos related to travel and lifestyle. Please, if you like what you see so far, then please consider subscribing and don't forget to press that bell icon as well to get notified all the time. So maine abhi दीपावली के सेल में बहुत सारी शॉपिंग की है, तो मैंने बहुत सारा स्किन केयर मेकअप इंक्लूड किया था और मैंने अपने इंस्टाग्राम में शेयर किया था कि आई एम करंटली यूजिंग पोर कंडीशनर एंड आई गॉट रिप्लाई, लाइक 2-3 रिप्लाई आई गॉट कि कैसा है, प्लीज़ शेयर करना. तो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर विथ यू ऑल एज वेल कि मैंने मेरे परचेस करने से पहले मैंने अपनी मम्मी को वाओ का हेयर फॉल भेज दिया था, शैम्पू प्लस कंडीशनर सेम प्राइस में. अगर आप ड्यूअल लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा. तो मैंने वही, और हमेशा जब भी कंडीशनर लोगे तो शैम्पू भी उसी ब्रांड का लेना चाहिए. सो लाइक इट्स 1 month और मैंने इतना करीबन यूज़ कर लिया है, क्वांटिटी अच्छी खासी आती है. कंडीशनर तो कम ही हुआ है, कंडीशनर तो यहाँ तक ही हुआ है, अभी तक यूज़ यहाँ तक ही हुआ है. सो सबसे पहले हम जाते हैं और ये वाओ ब्रांड जो वाओ क्या बोल रहा है वो देखते हैं हम. ये है वाओ स्किन साइंस कोकोनट मिल्क शैम्पू, DHT ब्लॉकर्स, नो पैराबिन्स, नो सल्फेट, नो सिलिकॉन, नो सॉल्ट, नो कलर. इट्स देयर मेड विथ 100% नेचुरल बायो एक्टिव्स. सो पावर टू रिड्यूस हेयर लॉस, ब्लॉकर एंड नेचुरल DHT, हेयर रूट्स, बूस्ट हेयर ग्रोथ, चेक्स हेयर लॉस एंड प्रीमेच्योर ग्रेइंग. ओके, ग्रेइंग मतलब सफ़ेद बाल. और ये नेट वर्थ है 300 ml. और सबसे पहले तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा हाइप ब्रांड है अगेन. और हाउ टू यूज ऑल्सो लिखा हुआ है, वेट हेयर थ्रूली विथ वार्म वाटर टू ओपन द क्यूटिकल्स जेंटली, अप्लाई अ जेनस अमाउंट ऑफ शैम्पू एज पर द लेंथ एंड वॉल्यूम ऑफ योर हेयर, मसाज ऑल ओवर द स्कल्प एंड सम नॉर्मल थिंग है ये, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है. और डूज एंड डोंट भी है कि वॉशिंग हेयर टू ऑफन स्ट्रिप्स हेयर नेचुरल ऑयल. सो गाइस, अगर हम पैकेजिंग पे जाएं तो ये बहुत ही अच्छा फ्रेंडली पैकेजिंग है और इसके कारण ये ऐसा लॉक भी कर सकते हैं इसको आप ऐसे करके, तो ये बहुत अच्छा है कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो ये भी आप ले सकते हैं अपने साथ. ओके, सो मैं अपना रिव्यू में जा रही हूँ. मैंने इसे 1 month पूरा यूज़ किया है और मैं सिर्फ यही यूज़ कर रही थी. मैं अभी अपने नेटिव गई थी तो वहाँ पर भी मैं अपने मम्मी का हेयर लॉस वाला यूज़ कर रही थी. सो आई फाउंड बोथ आर सेम ओनली, लाइक ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं है. वो पर्टिकुलरली हेयर लॉस के लिए था. और ये है नॉर्मल शैम्पू है, उसमें कुछ भी नहीं है. ये कोकोनट का है तो फॉर श्योर आपको कोकोनट का स्मेल आएगा जब आप यूज़ करेंगे तो. ओके, शैम्पू के तरफ जब ये शैम्पू है तो दोनों का एक ही क्वांटिटी आता है, इतना बड़ा है, 300 ml है. तो ऑफकोर्स शैम्पू पहले यूज़ हो जाएगा कंडीशनर के से. तो फिर सबसे पहला जो मैं आपको बताऊंगी कि ये वाइट कलर के उसमें आता है, वाइट कलर है, दोनों का एक ही है, मतलब दिखेगा दोनों सेम है. और मतलब मुझे ये फील हुआ कि ये अपन को बहुत ज़्यादा लगाना है, जैसे कि होता है कि दूसरे जो अगर कोई भी लोरियल का या किसी का भी आप यूज़ करेंगे, मैं लोरियल का इसके पहले यूज़ कर रही थी, वो भी अच्छा ही था. तो अगर आप कोई भी शैम्पू दूसरा यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा सा क्वांटिटी लेना है और वो बहुत अच्छे से हो जाता है, मतलब क्या बोलते हैं, झाग आ जाता है. वैसा इसमें नहीं है बिल्कुल भी, ना इसमें है ना हेयर ऑयल हेयर लॉस वाले शैम्पू जो मैं मम्मी के पास वाला यूज़ कर रही थी उसमें भी नहीं है. बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है मुझे, और मुझे आदत है कि बहुत सारा लगा के जो पूरे जब तक लगे ना बाल में तो तब तक मैं लगाती हूँ. तो इसके कारण बहुत ज़्यादा इसमें वेस्ट हो रहा है. सो वो एक चीज़ है, बट आई एम नॉट श्योर कि इसमें अगर केमिकल मिक्स नहीं है दैट्स द रीज़न इट्स लाइक दैट, कि वो अच्छे कारण के लिए भी हो सकता है. सो आई एम नॉट श्योर. सो एक ड्रॉबैक मुझे ये लगी कि बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है पूरे स्कल्प से लेके पूरे यहाँ तक लगाने के लिए, और मेरे तो छोटे बाल ही हैं, आप देख सकते हैं इतने छोटे बाल हैं. और हाँ, और मैं बोलती हूँ कि अगर आप जब आप यूज़ करेंगे ना इसको तो आपको मतलब 1-2 days तक आराम से इसके कोकोनट की स्मेल आते रहेगी, मतलब आपको लगेगा कि आपने अपने हेयर ऑयल में कोकोनट लगाया है, दैट इज़ अ गुड थिंग. और सिर्फ कोकोनट का स्मेल आएगा क्योंकि ये कोकोनट है. और कमिंग टू द मेरा जो वर्डिक्ट है, मतलब मुझे अच्छा लगा कि नहीं, तो आई विल से कि हाँ, मुझे अच्छा लगा और मेरे हेयर लॉस भी काफ़ी कम हुए हैं. और जो मतलब फ्लफी उल्फी ऐसे उठे रहते थे मेरे लोरियल्स करती तो ऐसे हो जाते थे मेरे बाल, तो वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं. तो एंड इट्स अगेन कॉस्टली ऑल्सो, लोरियल्स तो बहुत कॉस्टली है ये, 500 rupees का यही है. और ये है, ये भी 495 का है.
सो सेम प्राइस में ही है दोनों, तो मुझे थोड़ा कॉस्टली पे है बट या इट रियली वर्क्स फॉर मी. एंड आई आस्क्ड माय मॉम आल्सो कि उनको कैसा लग रहा है, उनका बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा था, तो भी मतलब उन्होंने भी प्लस एक पॉइंट ही दिया है मुझे कि उनको भी अच्छा लगा यूज़ करके. ऑल्सो गाइज, अगर आप ओवरनाइट ऑयलिंग किए हैं, अगर आपके बाल में ऑयल है तो इसमें आपको अगर दो बार यूज़ करना पड़ेगा तब भी ये जाएंगे. मैंने देखा है कि अगर मैं ऑयल लगा के अगर वॉश कर रही हूँ तो मुझे बहुत टाइम लगता है, बहुत देर में ये क्लींस करता है. बट अगेन सेम थिंग, अगर मैं मेरे ऐसी ड्राई बाल हैं तो मैं अगर यूज़ कर रही हूँ तो वो बहुत अच्छे से साफ कर लेता है, उतने ज़्यादा उसको टाइम नहीं लगता है. सो ये एक चीज़ आपको वो ध्यान में रखना होगा. बाकी मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मेरे बाल जो बहुत फ्रीजी होते थे वो भी नहीं है. मैं जो केमिकल फ्री चाहिए था वो मेरे लिए बेस्ट है, तो दैट्स व्हाट दिस इज वेरी नाइस प्रोडक्ट फॉर मी एंड थम्स अप फॉर दिस प्रोडक्ट. एंड कमिंग टू द कंडीशनर तो ठीक है, कंडीशनर में तो ज़्यादा यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अपन को ऊपर में ही लगाना है, अंदर स्कैल्प में जो घुसाना नहीं होता कंडीशनर को, दैट इज़ गुड थिंग. और ये ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल प्लस एवोकाडो ऑल्सो बना हुआ है, सेफ फॉर कलर एंड ट्रीटेड हेयर. तो मेरा तो ऑयल मेरा स्प्लिट्स कुछ कलर किए हुए हैं, तो इट्स अ गुड थिंग कि मैं यूज़ कर रही हूँ. तो मुझे ये बिल्कुल जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा गाइज, मुझे इसका इफेक्ट दिख रहा है क्योंकि. सो आई कैन सजेस्ट यू गाइज, इफ यू वॉन्ट यू कैन यूज इट आउट. आई पुट द लिंक ऑल्सो इन माई डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन चेक इट आउट. या दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू गाइज टूडे. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप. लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना मेरे चैनल को. आई सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स. बाय बाय.